ओके तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइस यहाँ पर आज तुम लोगों के लिए गाइस फिर से लेकर आ गया हूँ मैं एपिसोड 4 की, हाउ टू इम्प्रूव योर क्लोज रेंज, हाउ टू इम्प्रूव योर 1v1, जो भी है पूरा एकदम आज एपिसोड 4 आएगा। और आज के टॉपिक में दो पॉइंट्स कवर करने वाले हैं हम, जो कि पहला टॉपिक है कि जो मेरे को कल बहुत लोग कहे थे कि भाई आपका रिकॉइल कंट्रोल बहुत अच्छा है, हमें भी सिखाओ कितना अच्छा रिकॉइल कंट्रोल कैसे करते हैं, पहली चीज़ ये। और दूसरी भाई तुम्हारा एम बहुत सटीक है, सीधा हेड पर खुलता है और बंदे को हेड ही पड़ते हैं। तो गाइज मैं आज तुम लोगों को इन दोनों की चीज़ों की ड्रिल्स बताने वाला हूँ सबसे पहले तो, और फिर तुम लोगों को थोड़ा समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। तो गाइज पहले तो एक सेकंड रुक जाओ, इसको यहाँ से ऐसे कर लेते हैं अपन। हाँ तो गाइज अब देखो समझो, ठीक है, समझना एकदम अच्छे से। अब सबसे पहले जो तुम्हें रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए ना, पहले तुम्हें अपनी सेंसी अच्छी होनी चाहिए। अब ये मत सीख सकना कि मेरी जो सेंसी है वही तुम कॉपी कर लोगे, फिर भी मैं तुम्हें अपनी सेंसी दिखा देता हूँ। ये मेरी सेंसी है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। और अगर गाइस तुम में से किसी को कंट्रोल कोड चाहिए मेरे, तो गाइस तुम्हें कंट्रोल कोड भी दिखा देता हूँ मैं। ये मेरा लेआउट है और ये मेरा कंट्रोल कोड है, ये देख लो गाइस, ये मेरा कंट्रोल कोड अगर इन केस किसी को कॉपी करना है तो, ठीक है। अब यहाँ पर अपन समझते हैं कि रिकॉइल कंट्रोल का फंडा क्या है। अब गाइस थोड़ा ध्यान से समझा, थोड़ा ट्रिकी है ये, ठीक है। अब तुम लोग को पहले समझाता हूँ, देखो यहाँ पे मैंने यहाँ पे एम किया, ठीक है, समझ रहे हो, एम किया। इसकी ना मैं वो बंद कर देता हूँ एक सेकंड। हाँ अब देखो यहाँ पे मैंने एम किया, ठीक है। अब यहाँ से गोली चलानी शुरू करते हैं, ठीक है। अभी मैंने रिकॉइल नहीं कंट्रोल किया, ठीक है। अब यहाँ से वापस स्कोप खोलो। अब हमने यहाँ से शुरू किया था, मतलब जो हमारा रिकॉयल है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक गया है, राइट, ठीक है। अब रिकॉयल कंट्रोल करने के लिए मैं क्या करना है, जो इतना एरिया है, ठीक है, अब मेरा हाथ देखना, इतना एरिया है, तो हमें इतना ही एरिया को अपने फ़ोन को इतना ही नीचे लेके जाना है कि गन्ना हिले। अब सेंसिटिविटी सेट करने का तरीका सीख लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में समझ नहीं आएगा, बहुत ध्यान से समझना। अब फिर से देखो यहाँ से इतना, यहाँ से ऐसे गया ऊपर, ठीक है। अब जो ये इतना एरिया ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का, अब तुम्हें देखो मेरे को तो इतना फ़ोन ऊपर से नीचे करना है, मतलब मेरे को इतना नीचे करना है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरा रिकॉइल कंट्रोल हो जाए। अब किसी को लो सेंसी पे खेलना है तो उसे इतना नीचे करना पड़ेगा, किसी को हाई सेंसी पे खेलना हो सकता है उसका इतने में ही काम चल जाए। अब वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि तुम किस चीज़ में सेटिस्फाई हो, तुम्हें कितना फ़ोन ऊपर से नीचे करना है कि तुम्हारा रिकॉइल कंट्रोल हो जाए। जैसे कि मेरे को इतना करना पड़ता है, बस इतना, ठीक है, मेरे को इतना करना पड़ता है। अब देखो तुम लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। अब देखो यहाँ पे, यहाँ पे एस, यहाँ से देखो ऊपर एस जा रहा है अपने आप, अभी मैं रिकॉइल नहीं कंट्रोल कर रहा, ठीक है। तो यहाँ से इतना नीचे, ठीक है, तो ये कैसे कंट्रोल हो जाता है, अपने आप ऐसे चलते रहते, गन्ने की जगह पे चलती रहती है अपने आप, कोई दिक्कत ही नहीं होती, समझ रहे हो। एक बार फिर से समझो कि यहाँ से ऐसे ऊपर गया, रिकॉइल जा रहा है ऊपर, अब हमें क्या करना है, इतना एरिया है हमारे पास कवर करने के लिए, तो इतने एरिया के हिसाब से अपनी सेंसी सेट करो कि तुम्हें कितनी सेंसी चाहिए कि इतना एरिया में ये पूरा कवर हो जाए। ऐसी M4 की सेंसी से करो, ऐसी 3X की सेंसी से करो, ऐसी AKM, ऐसी बैरल, ऐसी हर चीज़ पे अपनी अलग सेंसिटिविटी चलती है यहाँ पर। तो जब तुम इस चीज़ को मास्टर कर लोगे तो तुम्हारा स्प्रे कुछ ऐसा हो जाएगा, मतलब गन एक ही जगह पर चलनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, और अगर तुम थोड़ा क्राउच करके मारोगे तो तुम्हारा स्प्रे कुछ फिर ऐसा हो जाएगा। गन एक ही जगह पर चलनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। अब तुम अगर 3X की भी देखो तो 3X का थोड़ा अलग सीन है, 3X में थोड़ा ज़्यादा ऊपर जाता है, तुम लोगों को दिखा देता हूँ, ये देखो, ये देखो यहीं पर ही अगर रेड डॉट से मारता था तो यहाँ से सिर्फ यहाँ तक जाता, पर 3X से मारा तो यहाँ तक चला गया। तो उस हिसाब से तुम्हें 3X की सेंसी भी सेट करनी पड़ेगी, तो अगर तुम 3X की सेंसी सेट कर लोगे तो फिर तुम्हारा कुछ ऐसे चलेगा, ये समझ रहे हो, और क्राउच करके मारोगे तो ऐसे, तो गाइज ये सब चीज़ें हमें सेंसी से सेट करनी पड़ेंगी। लोग कहते हैं कि रिकॉयल कंट्रोल में सेंसी का काम होता है, हाँ होता है, पर इतना ज़्यादा नहीं होता। तुम दूसरों की सेंसी कॉपी करोगे तुम पर नहीं जमेगी, तुम्हारा हाथ अलग तरीके से काम करता है, तुम्हारी हैंड मूवमेंट अलग होती है, तुम्हारी उंगलियों का साइज अलग है, तुम्हारे हाथ का वेट का साइज अलग है, सब कुछ अलग अलग होता है, तो किसी का कॉपी करने से ऐसा नहीं चलता, ये चीज़ ध्यान रखना, समझ रहे हो।
अब गाइज ये तो बात हो गई रिकॉयल की, तुम इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हो गाइज, रिकॉयल को प्रैक्टिस करने का तो एक ही तरीका है, आओ यहाँ पे 100 मीटर से ऐसे मारते रहो तो तुम्हारा रिकॉयल प्रैक्टिस हो जाएगा यहाँ पर आराम से। ये तो एक ही ड्रिल है कि सबको पता है कि ग्रेन ग्राउंड में और गोली चलाते हो तो उससे रिकॉयल प्रैक्टिस होगा। पर मैंने तुम्हें यहाँ पर ये बता दी कि सेंसी से रिकॉयल कैसे मैनेज कर सकते हैं, जीरो रिकॉयल पर कैसे चलाना है, ये काफ़ी लोगों को आई थिंक बहुत लोग नहीं बताते या आई थिंक उनको पता नहीं होता क्योंकि उनको ऑलरेडी उनकी बेस्ट सेंसी मिल जाती है जैसे तैसे करके। अब गाइस बात आती है एम की, भाई तुम अपना एम हमेशा हेड पर कैसे खोलते हो सामने वाले बंदों पे, तुम्हारे में इतना एग्रेशन कैसे आता है कि तुम बंदे पे ओपन में रश कर देते हो और उसको हेड मार देते हो। अब देखो सीन क्या रहता है, तुम एक चीज़ नोटिस करना कि जब भी मेरे को पता रहता है कि जब मैं रश करता हूँ ना तो मेरे को पता रहता है कि बंदा किधर से पीक देगा, या मेरे को एक प्रोबेबिलिटी रहती है कि हाँ ये 2 ही खिड़की है तो ये 2 खिड़की से ही पीक देगा। अब मैं तुम लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ। हाँ ये देखो ये मेरा रेड डॉट है, ठीक है अभी तुम लोगों को एक चीज़ समझाता हूँ मैं। ओके ओके ओके, अब देखो मैं यहाँ से रश कर रहा हूँ इस वाले घर पे, ठीक है इस वाले घर पे मैं यहाँ से रश कर रहा हूँ, ये थोड़ा चलो और पीछे से ले लेते हैं, यहाँ पे ये है मेरा कवर और यहाँ पर मैं रश कर रहा हूँ। अब यहाँ पर एक बंदा है इस घर में और यहाँ पर बंदे 2 ही जगह से निकल सकते हैं, या तो यहाँ से पीक देगा या यहाँ से पीक देगा। तो जब भी मैं रश करता हूँ जब भी, तो मेरा क्रॉसर देखना या तो इस खिड़की पर रहेगा, और नहीं तो मेरे को पता है कि अगर उस वाली खिड़की से पीक ले तो मैं वहां से ऐसे तुरंत शिफ्ट करके मार सकूँ, ऐसे तुरंत शिफ्ट करके मार सकूँ, ऐसे तुरंत शिफ्ट करके मार सकूँ। तो इस चीज़ की तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जो कि मैंने पुरानी वीडियोस में बताया था क्या प्रैक्टिस होती है ऐसे एम शिफ्टिंग की। ये तुम्हें एम शिफ्टिंग की प्रैक्टिस मैंने तुम लोग को बताया था कि पुरानी वीडियोज़ में भी तुम्हें करनी पड़ेगी। तो अभी क्या सीन है, जब भी तुम रश करो तुम्हारा क्रॉसर उसके वहीं पर रहना चाहिए, जैसे वहाँ से निकलेगा तो यहाँ से सीधा पीक दे के मारो, यहाँ सीधा पीक दे के मारो, यहाँ सीधा पीक दे के मारो, ऐसे रुक के मारो। और ये भी तुम लोग को मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि रश करो तो ऐसे लेफ्ट राइट होना चाहिए। अब तुम्हें एक और ड्रिल बता देता हूँ एम की, तुम ऐसे एम अपना हेड पर कैसे खोल सकते हो हर बारी, जो कि मैंने आई थिंक पहले ही बताई थी पर एक बार फिर से बता देता हूँ, और उसका एक दो पॉइंट्स और मैं तुम लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ क्या सीन करना है आप लोगों को। ऐसे इस बॉक्स के पीछे आ जाना, ठीक है अब क्या करना है, ऐसे जब खड़े हो ना तो ऐसे जब स्कोप खुले तो बंदे के हेड पर ही खुलना चाहिए, हेड पे हेड पे हेड पे हेड पे हेड पे हेड पे, तो ऐसे हेड पर खुलना चाहिए। मतलब जब तुम स्कोप का बटन दबा रहे हो और जितने टाइम में स्कोप खुल रहा है ना उतने टाइम में तुम्हारा जो एम है हेड पर जाना चाहिए। देख लो हेड पे, ऐसे हेड पे। इस चीज़ को अगर तुम 3x और 4x के साथ भी ट्राई करोगे तो तुम्हारी स्नाइपिंग बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है हेड पे हेड पर खुलना चाहिए हर बार तुम्हारा स्कोप, कोई भी ऐसा कुछ अलग वलग डिले नहीं होना चाहिए तो वरना दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसे क्या करो, ऐसे आओ ऐसे करो ऐसे मारो, ऐसे खड़े हो ऐसे मारो, ऐसे खड़े हो ऐसे मारो, थोड़ा सा पीछे हो जाओ ऐसे खड़े हो ऐसे मारो हेड पे, ऐसे हेड पे ऐसे हेड पे। तो गाइस ये चीज़ तुम लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा, तभी जाकर एकदम अच्छा होगा। कम से कम एक दिन में कम से कम आधा घंटा प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। यहाँ पे पीछे वॉल आ रही है अजीब सी, ये देखो भाई कोरियन वर्जन क्या है भाई, कैसा चलता है, क्लासिक से ही चलता है। ये देखो फिर से भाई क्या ग्लिच है भाई, बटन दबा रहा हूँ नहीं डल रहे, चलो कोई नहीं। वैसे कोरियन वर्जन में ग्लिच है, बटन 2-3 बार में काम करते हैं इसके यहाँ पर, क्योंकि अपन ये क्योंकि गेम कोरियल कोरिया वाले फ़ोन्स के ऑप्टिमाइज्ड है, इंडियन फ़ोन्स के लिए नहीं है। तो भाई तुम लोग समझ रहे हो ना मैं कैसे प्रैक्टिस करने के लिए कह रहा हूँ, ऐसे मतलब हर बार हेड पर ही जाना चाहिए, समझ रहे हो। तो गाइज ये और ये तो ये वाली प्रैक्टिस तो हो गई यार, बाकी ये वाली प्रैक्टिस थोड़ी ज़्यादा करना कि स्कोप खुले तो हेड पर ही खुले हर बार, बाकी और कुछ नहीं है। तो गाइज बस यही 2 चीज़ें मेरे को कवर करनी थी आज की वीडियो में, कि तुम अपना एम रिकॉइल वगैरह कैसे मैनेज कर सकते हो, और जो तुम्हारा एम है हमेशा हेड पर खुलना चाहिए। और गाइज ये चीज़ जरूर प्रैक्टिस करना, मैं लास्ट वाली वीडियो में पहले बोली थी ऐसे लेफ्ट राइट जाते हुए क्राउच दे के पीक, फिर लेफ्ट राइट जाते हुए क्राउच दे के पीक, फिर लेफ्ट राइट जाते हुए क्राउच दे के ऐसे करके ऐसे। गाइज ये चीज़ गाइज जरूर प्रैक्टिस करना, ये चीज़ तुम्हें बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती थी तुम्हारे एम में, प्लस तुम्हें रिफ्लेक्सेस वगैरह में, जो कि मैंने तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था, क्योंकि ये चीज़ एम में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करती है। और गाइज तुमको रिकॉयल कंट्रोल करने का मैंने तुम्हें बेस्ट तरीका बताया, उससे अच्छा कोई रिकॉयल कंट्रोल करने का तरीका नहीं है, ना उससे कोई अच्छा तरीका है कि तुम अपनी सेंसेस वगैरह कंट्रोल कर पाओ। तो गाइज अगर तुम लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी तो गाइज फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो तुम लोग बताओ किस चीज़ के ऊपर बनाऊँ मैं, आई थिंक DP 4X के ऊपर मुझे बनानी चाहिए थोड़ी सी, बाकी तुम लोगों की मर्जी है, तुम लोग जैसे बोलोगे मैं वैसे बना दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टाटा एंड बाय बाय।